दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अपने चैनल के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग जो है नया एक चैनल बनाते हैं और शुरू शुरू में तो अच्छा रिस्पांस मिलता है, देखने के लिए अच्छे व्यूज़ आते हैं, सब्सक्राइबर भी अच्छे मिलते हैं वीडियोस पर। लेकिन कुछ टाइम के बाद व्यूज़ बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, जैसा कि मेरे चैनल पर बहुत ही डाउन हो गए थे। लेकिन मैं क्या कर रहा कि मैं बहुत ही अच्छे से कॉन्टेंट वगैरह, टाइटल वगैरह सब कुछ, टैग वैग सब लगाता था, फिर भी थंबनेल भी अच्छा लगाता था, वीडियो एडिटिंग भी अच्छी होती है, फिर भी व्यूज़ नहीं देखने के लिए मिल रहे थे। तो क्या हुआ, फिर मैंने खुद ने ही सोचा, देखिए मैं बताता हूँ कि मैं क्या गलती कर रहा था। मेरा ये चैनल है, आप देख सकते हैं मैं क्या गलती कर रहा था, मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ, देखिए जब मैं वीडियो डालता हूँ, अपलोड करता हूँ, तो मैं 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद वाइट स्टूडियो को ओपन करके देखता हूँ बार बार। अब सबसे बड़ी गलती तो यही है, वाइट स्टूडियो को ओपन करना सबसे बड़ी गलती है, ये मैं तो यही मानता हूँ, सबसे बड़ी गलती यही है। क्यों, अब देखिएगा, कल वीडियो अपलोड करी थी मैंने, आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा एक मिनट, ये वाली वीडियो आप देख सकते हैं व्यूज़ आए हुए हैं इस पर 1. आप देख सकते हैं व्यूज़ 1.9 के आए हुए हैं। और जो है ये वीडियो मैंने अभी अपलोड की है, 3 घंटे हुए इस वाली वीडियो को अपलोड किए हुए, और इस पर व्यूज़ हैं अभी 69। लेकिन यहाँ जो है, एक मिनट आपको मैं इधर दिखाता हूँ, डैशबोर्ड में दिखा रहा है 122 व्यूज़। तो ये क्या है कि अभी इसको ओपन करना नहीं चाहिए था मुझे, पर वीडियो बनाने के लिए मैंने इसको ओपन कर लिया। अब देखिएगा, हम जब वीडियो अपलोड करते हैं, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, ज़रूर करना होगा, अगर जो आप अपने चैनल पे व्यूज़ लाना चाहते हो वीडियोज़ पर, तो एक चीज़ का ध्यान ज़रूर ही करना होगा, वो है क्या कि जब आप अपनी वीडियो को अपलोड कर लो, तो कृपया 24 घंटे से पहले आप अपने YT स्टूडियो को ओपन नहीं करना, ना ही अपने चैनल को ओपन करना। आप दूसरे जीमेल से अपने YouTube को चलाएं, लेकिन उस जीमेल से ना चलाएं जिससे आपने चैनल बना रखा होगा। अगर जो आप ऐसा करते हो, तो आप कितना ही अच्छा थंबनेल बना लो, कितनी अच्छी वीडियो एडिटिंग कर लो, कितनी अच्छा टाइटल लिख लो, डिस्क्रिप्शन लिख लो, टैग लगा लो, बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आएंगे। ये बिल्कुल सही बात है, और मैंने आजमाया है, ऐसी बात नहीं है, मैंने खुद ने एक आजमा के देखा है, ये बिल्कुल सही बात नहीं होती। देखिए मेरे पास इतनी सारी जीमेल है, मैं ये जीमेल चलाता हूँ, और मैं ये चैनल है, वीडियो इसी चैनल पे है, ये देख सकते हैं आप, इस चैनल पे मैंने एक वीडियो डाली थी, एक ही वीडियो डाली थी 7 दिन हो चुके हैं, ये मैंने ऐसे ही डाल दी थी, इस चैनल को मैं ज़्यादा नहीं चलाता, पर मैंने सोचा कि देखते हैं वीडियो कई दिन हो गए चैनल पर डाले हुए, देखते हैं कुछ व्यूज़ आएंगे चैनल। तो देखिए इस पर 116 व्यूज़ आए हैं, हालांकि मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि इस पर व्यूज़ आएंगे भी नहीं, फिर भी इस पर 116 व्यूज़ आ गए। और मैं अगले दिन वीडियो डालता तो 116 इस पर आए हैं, तो उस पर ज़्यादा ही आते, कम तो नहीं आते, लेकिन ये 116 व्यूज़ आए कैसे, ये इसी वजह से आए हैं कि मैं वीडियो डाल के भूल गया था, मैंने चेक ही नहीं करा कि मेरी वीडियो कैसी उठ रही है कैसी नहीं उठ रही। तो आप भी अपनी वीडियो डालिएगा और उसको भूल जाइए, 24 घंटे के लिए तो आप उसको भूल ही जाइए। और अभी मैंने आपको ये वीडियो दिखाई है अपने YT स्टूडियो में जाकर के, देख सकते हैं, एक मिनट यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा, ये 1.9 के जिस पर व्यू दिखा रहा है, ये अभी कुछ टाइम पहले 1.2 के व्यूज़ थे, अब 1.9 के व्यूज़ आ गए हैं, अब ये बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि मैंने 24 घंटे के अंदर इसको ओपन ही नहीं किया था YouTube स्टूडियो को। इस वजह से आप खुद भी सोच सकते हो कि आपको ज़्यादा समय हो गया होगा YouTube चलाते हुए, तो आपको पता ही होगा कि किस तरीके से YouTube पे काम किया जाता है। अगर जो आपने अभी नया चैनल खोला है ना अपना, तो अभी आपको इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा कि हमें कैसे YouTube को चलाना है। तो मेरे इससे पहले 3 चैनल और थे, जिसमें से 2 चैनल मेरे बंद हो चुके हैं, वो मेरी गलती की वजह से ही हुए हैं। और अभी मेरे 2 चैनल चल रहे हैं फिलहाल, एक ये है न्यूज़ चैनल, और दूसरा जिस पर मैं वीडियो डाल रहा हूँ ये वाला। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा न्यूज़ चैनल को भी और इसको भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर जो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार इसको पहले तो आप आजमा के देखिएगा कि ये मैंने सच बताया कि नहीं। देखिए मैं तो मानता हूँ कि ऐसा ही है व्यूज़ ना आने का कारण। वीडियो लंबी हो चुकी है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।